अब प्रदेश में लीजिए देसी मिठाइयों के मजे। शमस हलवियात की मिठाइयों से मोहब्बत करने वालों को कदीम सनैया शहर अरबीन पर अब नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि शमस हलवियात ने परदेसियों के पुरजोर फरमाइश पर शमेसी से मुंसलिक इलाका जर्दिया में अपनी एक और शॉप का इफ्तिताह कर दिया। जहां पर आपको मिलेंगे गरम गरम ताज़ा समोसे, ताकि आप अपनी शाम की चाय को और ज्यादा पुरलुत्फ बना सकें। शमस हलवियात जर्दिया शॉप का इफ्तिताह मोहतरम कारी उस्मान यूसुफ साहब ने किया, जो कि स्पेशली पाकिस्तान से यहां पर उमरा और इस मकसद के लिए आए हुए थे। والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم Thank you.
अस्सलाम वालेकुम। आज फिर शम्स हलवियात ने जर्दिया के अंदर नई शॉप का इफ्तिताह कर दिया है और यहाँ पर हमारे साथ हैं कारी उस्मान यूसुफ साहब। इनका किरत में एक अपना नाम है और पाकिस्तान की तरफ से मलेशिया में किरत में होने वाला जो मुकाबला था उसमें भी ये हिस्सा ले चुके हैं और 100 तदरीस से इनका तल्लक है। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने किस तरह यहाँ पर आए और कि इनका इवेंट ये किस तरह था और फिर उसके बाद यहाँ पर इफ्तिताह के लिए कैसे इनको बुलाया गया। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्पेशल टाइम निकाल के हमारे पास आए, तशरीफ लाए, अल्लाह ताला आपको जय खैर दे। तो हम विद फैमिली उमरे की नीयत से आए थे सऊदी अरब। जी जी। तो सबसे पहले हम इधर रियाज नहीं, सबसे पहले हमारा स्टे था। अच्छा। तो उसके बाद फिर हम मक्का मुकर्रमा में हाजिरी, वहाँ पे हमने उमरा किया, उसके बाद मदीना शरीफ में हाजिरी हमने दी और फिर ये हमारे भाई हैं बड़े शेख मोहसिन अकबर साहब और इनके दीगर भी जो भाई हैं दूसरे भी, इनकी बड़ी मोहब्बतें हैं, बड़ा इनका खुसूसी प्यार है, बड़ी शफकतें हैं इनकी मेरे साथ। तो इन्होंने बड़े खलूस के साथ जो है वो मुझे दोबारा गुजारिश की थी कि इफ्तिताह जो है हमने करना है दुकान का, तो फिर मैं उस सिलसिले में, मेरे लिए भी सआदत है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको इस रियाज शहर में एक इज्जत से नवाजा है। इनका एक मुकाम है, अशम स्वीट का एक मेयार है और बहुत ज़्यादा लोग इनको पसंद भी करते हैं, तो मेरे लिए भी ये सआदत थी और मैं आज इनकी न्यू ब्रांच का जो है वो इफ्तिताह किया है। तो बस इसी सिलसिले में हमारा इधर जो है वो रूट था, अब इंशाल्लाह मदीना शरीफ से हमारी वापसी की फ्लाइट है इंशाल्लाह जुमे के दिन। पाकिस्तान में किस जगह पे आप? पाकिस्तान जी लाहौर, लाहौर शहर में मुगलपुरा। मुगलपुरा जी, वहाँ पे एक अदारा है, वहाँ पर शोभा जी, शोभा हिफ्ज और शोभा तजवीद और इमामत, उधर ये मेरी जिम्मेदारी है। बस अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का करम है, कुरान करीम की वजह से अल्लाह पाक ने ये इस्ते और अल्लाह ने पर ये नवाजी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाइयों की जो मोहब्बत है ये भी कुरान करीम की वजह से ही है और दीन के साथ इनकी मोहब्बत है, उलमा के साथ मोहब्बत है और जिसकी बदौलत ये बाहर आप देख रहे हैं। बिल्कुल। तो बाकी दुकानदारों के लिए भी ये एक मॉडल है, नमूना है कि वो भी दीन से जो अपनी मोहब्बत करें, जैसा कि आप भी माशाल्लाह एक इन भाइयों की मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं, तो आपके लिए भी दुआ गो है, अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिर में अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है वो अल्लाह ताला आपके साथ भी इस तरह से अल्लाह ताला आपको इनाम फरमाए। अच्छा जनाब, मेरे साहब और भाई मोहसिन साहब हैं, शेख मोहसिन साहब, और इनसे तो मेरा तल्लुक बहुत पुराना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे पूछेंगे कि ये जो नई शॉप हमने खोली है शम्स हलवियात की शॉप जो है, ये कौन सी जगह पे है ताकि जो इसके इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनको पता चल जाए इसकी लोकेशन क्या है, और फिर ये के इसके साथ साथ ये कौन से कितने नंबर पे शॉप है? वैसे पहले भी एक 5-6 शॉप्स है जिस तरह इनके ओपन हुई है, जरा इसका तारफ दे दीजिए, जगह कौन सी है? गुरादिया शमेसी है। गुरादिया शमेसी, हाँ जी। और 6 दुकान है माशाल्लाह। और ये कौन सा रोड बनता है, ये जो बाहर रोड है इसका भी है जेन में कौन सा रोड है? ये गुरादिया मशहूर है ज्यादा, ये गुरादिया मशहूर है, सारा शबाला में है। शबाला है? हाँ, सारा शबाला में है। सारा शबाला है, हाँ जी। ये सामने दीवार भी है, क्या स्कूल है इसका सामने? ये मदरसा है बच्चों का, बच्चों के मदरसे के बिल्कुल सामने। हाँ जी, सही। कौन कौन सी मतलब इस तरह शॉप पे हमारे एड में जो मिठाई की है या इसके अलावा अवेलेबल होंगी? मिठाई की अखरोट हलवा है, हबशी हलवा है, बादाम पाक है, कलाकंद मुल्तानी हलवा है। अच्छा। फेनिया में स्पेशल गोल रस ने साडे कोल पाकिस्तानी जी, खुले वाले जेड़े होंगे ने, और फ्रेश क्रीम केक है साडे कोल, चॉकलेट केक है, दूसरा जेड़ा जिस तरह की गर्मी आ रही है खलूदा साडे कोल, रस मलाई, दही बल्ले, गोल गप्पे, यानी कि देशों का मजा परदेशों में माशाल्लाह। हाँ जी। इस तरीके पतीसे वगैरह भी ने, पतीसे बेसन खालस बेसन के पतीसे ने, लोकल नहीं है, यानी कि बेसन तुसी अपना हम जी बेसन बिल्कुल मैं खुद आप बनवाना, दाल दा बिल बेहतरीन जेडी दाल है ना होगा मैं बेसन तैयार करवा के फिर मैं पतीसे दे बनवाना। बाकी रसगुल्ले गुलाब जामुन जो आम ने ना, गाजर सर्दी आ जाए फिर गाजर हलवा मरती है, इस तरीके स्पेशल समान है सारा, यानी कि फ्रेश क्रीम केक जो सा बहुत ज्यादा मशहूर है, पाइन एप्पल फ्रेश क्रीम केक अभी जो यानी कि बटर का नहीं बना रहे, क्रीम मेल जो सा बहुत अच्छा है। अच्छा।
काफी बड़े बड़े माशाल्लाह दोस्त अहबाब आर्डर देंगे ने जिदे 20 पाउंड 30 पाउंड 40 50 तक बनाते हैं। अच्छा मुस्तफा साहब मैं ये पूछना चाह रहा सीगा कि जेड़ा बिजनेस है माशाल्लाह सात दुकान जेड़ियां इत्थे सिरियाद अंदर बनाईयां होटल भी है और बैठे भाई भी सारे इत्थे ने ते इसकी कामयाबी दा राज की है। हां जी कामयाबी दा राज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की खास रहमत और अल्लाह ताला दे इनामात और एहसान नाल उस तो बाद मेरे वालिद साहब दी दुआ ने फिर खुसूस वालिद साहब दा तेरे वालिद साहब दा नाम की है उना दा जरा तफसील ना मैनूं दस्सो। मेरे वालिद साहब दा नाम है शेख अकबर शेख अकबर आफरंदावा। अच्छा वालिद साहब दी खुसूसी तौर ते उना दी दुआवां ने और उना दी दुआवां दा फैज अल्लाह पाक दी रहमत बेशक और मेरे भाई जेड़े ने माशाल्लाह शेख हसन साहब शेख हसन साहब शेख हसैन साहब शेख इहसान साहब इन्हों की मेहनत का नतीजा बहुत ज्यादा सारे कट्ठे हो के भाई सारे चल बहुत ज्यादा यानी कि मैं भाजपा भाई भाई माशाल्लाह बहुत ज्यादा इन्हों की मेहनत इन्हों की कोशिश कागज की वजह अल्लाह पाक ने बहार लाई अल्लाह पाक जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा इस देखते हैं कि जिस तरह बिस्कुट भी मैं देखा बड़ी क्वालिटी के और मुख्तलिफ किस्म की अकसाम है मिठाइयाँ भी मुख्तलिफ अकसाम दी हैं एक मेन आइटम जड़ी नॉर्मल मिठाई की दुकान में होंगी जलेबी और पकौड़े वगैरह या फिर समोसे ये मतलब है कि इतने बनन करेंगे अगर बनेंगे तो किस टाइम ताज़ा अवेलेबल होंगे। समोसा और जलेबी सुबह 9 बजे तो लैके रात 12 बजे तक गर्म गर्म मिलेगी माशाल्लाह बिल्कुल ताज़ा फ्रेश मिलेगी हर वक्त जरा ना सा दो बंदे मेरे को इस दुकान पर हर वक्त उन्होंने जलेबी और समोसे इतने ही बनाने ने। हाँ जी इतने ही यानी कि कस्टमर नू गरम गरम दे बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी अभी जेडे हूँ साढ़े नाल बैठे ने ये एक्चुअली मिठाई के कारीगर ने इन्हों का नाम पूछते हैं और जो पूछते हैं कि कितना इन्हों का तजर्बा है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम तेरा नाम की है जी अब्दुल रहीम। अब्दुल भाई यार कितना अच्छा हो गया है मिठाई का काम करते हैं जी मैनू ये मिठाई का काम करते हैं 10 साल हो गए 10 साल हो गए जी ते केड़ी केड़ी चीजा सी बनाते हो दसो जी मैं स्पेशल चीजा ने हलवा जात हो के अखरोट हलवा हो गया खजूर हलवा हो गया मनपसंद हलवा हो गया मुल्तानी हलवा हो गया और मुख्तलिफ हलवे ने मेन जो वो मैं बनाता हूँ तैयार कर दे जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जरा अपना नाम तो दसो मेरा नाम मोहम्मद अदरीस मिठाई बना रहे कलाकंद बदाम पाक हो गया मशहूर है रसमलाई खाधी है इधर टेस्ट कैसा लग गया जरा खाते ने। अच्छा इधर बहुत अच्छा टेस्ट है और ये ना केक वगैरह ना ये सारा पंजाबी माहौल है पाकिस्तानी जी जी बहुत अच्छा टेस्ट है अभी काफी दिन से ना इंतजार कर रहे हैं ओपनिंग का। अच्छा माशाल्लाह आगे से आए थे तो ओपनिंग हो रही थी ताकि बहुत ज्यादा थी फिर वेट की था वेट करके बड़ा प्यार मोहब्बत खलाक बहुत अच्छा है इस वास्ते इंतजार भी किया बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हमारे एक कस्टमर बैठे हुए हैं इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या खाया है और इसका टेस्ट कैसा लगा उनको। नाम की मोहम्मद अब्दुल रहमान।
हमने दही भल्ले खाए हैं और बहुत अच्छा माशाल्लाह टेस्ट लगा और खुश हुई यहाँ पे आके। मतलब दही भल्ले जो आपने खाए हैं दही भल्ले जी, लगा कि पाकिस्तान का ही टेस्ट है अपने घर। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल माहौल और टेस्ट बिल्कुल सेम पाकिस्तान जैसा। बहुत ही काबिल इज्जत भरा ने जी, अबाई गांव ते ना बल्कि एक गली चे इकट्ठे जमे पले आ, इन्हां नाल भी साडी खसूसी मुहब्बत है। अल्लाह ताला ने इन्हां नूं रंग लाए ने ते साडी दुआ है कि अल्लाह ताला इस तरह इन्हां नूं रंग लाई रखे। आमीन इंशाल्लाह। बाकी आई आ मामला सारे वेखे ने, दिल बड़ा खुश होया, अल्लाह ताला जी इन्हां नूं इस तरह तरक्की दी राह ते कामयाब रखे। इन्हां नाल तल्लक साडा भरावां वाला जी, छोटे भरावां वाला है, बल्कि मेरा क्लास फैलो भी है। ऐसी ही यादगार अनोखी कहानियों पर मबनी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।